डीआरएम ने मोकामा रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, यात्री सुविधाओं का लिया जायजा। मोकामा रेलवे स्टेशन का दानापुर मंडल के डीआरएम, मंडल वाणिज्य प्रबंधक, आरपीएफ कमांडेंट और सीनियर डीएन के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। डीआरएम एफसीआई रेप्लेसमेंट की पूरी जानकारी ली कि वह ठीक ठाक से काम चल रहा है कि नहीं। वही मौके पर मौजूद आरपीएफ कमांडेंट ने डीआरएम को नव निर्मित हो रहे आरपीएफ पोस्ट के अधूरी निर्माण से अवगत करवाया, जिसको लेकर डीआरएम के द्वारा 20 दिनों के अंदर पोस्ट का निर्माण करने का सख्त आदेश दिया गया। इस बीच टिकट काउंटर पर भी अधिकारी के द्वारा जाकर सख्त आदेश दिया गया कि यात्रियों से टिकट कर से अधिक पैसा न ले, अन्यथा आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। डीआरएम का ये निरीक्षण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब मोकामा स्टेशन का भी नाम जुड़ गया है। डीआरएम ने पूरे बारीकी से स्टेशन पर एक एक चीज का मुआयना किया। पैसा ज्यादा मांग रहे हैं यात्रियों से, बिल्कुल कब करिए, में डीआरएम साहब का प्रोग्राम था, यहाँ पर क्या कमियाँ पाई डीआरएम साहब, क्या देखे, निरीक्षण करने आए थे? डीआरएम साहब निरीक्षण के दौरान साफ सफाई मुकामा का अच्छा व्यवस्था था उसके बारे में बोले हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 9 उसके एक्सटेंशन के भी बारे में बोला गया है कि एक्सटेंशन किया जाए ताकि यात्री आसानी पूर्वक लाइन नंबर 9। ये आरपीएफ का जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें क्या बोले? आरपीएफ भवन का जो निर्माण कार्य हो रहा है 20 दिन के अंदर पूरा कर लेने के लिए आदेश दिया है जी, उसमें एएन साहब को बोला गया है कि 20 दिन में इसको पूरा कर लिया जाए।